आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आने वाली रसोई गैस की किल्लत जिला प्रशासन को नजर नहीं आ रही है। घर में खाली हो चुके सिलेंडर को भरवाने के लिए आम उपभोक्ताओं को तकलीफ झेलनी पड़ रही है, जो सुबह 4 बजे से गैस की लाइन में गैस गोदाम के बाहर खड़े रहते हैं, जिन्हें 6 घंटे की मशक्कत के बाद भी भरा हुआ सिलेंडर प्राप्त नहीं हो रहा है। उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक किसी का भी ध्यान नहीं है, ना ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जा रही है। नागरिकों में रोष देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार मंडला नगरी क्षेत्र में एचपी गैस के डीलर से, जिनके पास नगर में करीब 23,000 से अधिक गैस उपभोक्ता है, गैस परिवहन में जमकर लापरवाही बरती जा रही है। इस कारण रोजाना रसोई गैस की मांग की पूर्ति नहीं हो पा रही है। सप्ताह के बाद एक पखवाड़ा बीत गया, लेकिन गैस सिलेंडर परिवहन 3 दिन में एक बार हो रहा है। डीलर्स के पास सिलेंडर बुक कराने वालों की संख्या 1,500 से अधिक जा पहुंची है और रोजाना सिलेंडर की मांग 900 से अधिक कहे सिलेंडर 400 आ रहे हैं, जिसे लेने के लिए आम उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। किसी को लाइन में लगने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है, किसी को बड़ी मशक्कत और लंबे इंतजार के बाद सिलेंडर मिल पा रहा है। ये हमारी समस्या मंडला जल को जो रोड है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाने के कारण पर्याप्त मात्रा पे यहाँ पे गैस की टंकियाँ नहीं आ पा रही हैं, जिससे हम उपभोक्ताओं को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये समस्या का कारण ये बन चुका है कि रोड का निर्माण सही समय पर ना होने के कारण और बारिश के कारण रोड और ख़राब हो जाने के कारण ये समय आ चुका है कि जो टंकी हमको घर में मिलती थी, आज वह टंकी के लिए हमको सुबह 4 बजे से यहाँ पर लाइन लगाना पड़ रहा है। समस्या ये है सर कि हम 4-5 दिन से लगातार 5 बजे सुबह आते हैं, लाइन लगी रहती है, हमको गैस उपलब्ध नहीं हो पाती। एक ही गाड़ी आती है तो ये स्टाफ की जो गाड़ियाँ आती हैं बुकिंग वाली, उनको दिया जाता है, मजदूर वर्क है वो खड़ा ही रह जाता है। 4 दिन से अपना वो मजदूर का नुकसान करके दिन लाइन में 5 बजे रास्ते लगा रहता है, इसके बाद उसको टंकी नहीं होती तो गरीब ऐसे में क्या करेगा। उसका तो काम का भी नुकसान हो गया, 1 सप्ताह से उसको टंकी भी नहीं मिली और मुख्य रूप से बताया जाता है कि भाई रोड ख़राब होने के कारण टंकी नहीं आ पाती है। अब यहाँ लोग 4 बजे रास्ते 3 बजे रास्ते आते हैं, इसके बाद भी उनको 4-4 दिन से टंकी नहीं मिल पा रही है। हमको 1 सप्ताह हो गया हमारा कंटिन्यू लाइन में लगे रहते हैं, अंत समय वही आता कि टंकी ख़त्म हो गई। अब ऐसे में हम क्या करें, क्या है, हम सुबह 5 बजे से आकर के लगे, लगभग यहाँ से 300 टंकी करीब करीब में थी। इसके बाद में जब नज़दीक में पहुँचे तो टंकियाँ ख़त्म हो गई, स्टॉक में बताया, जबकि हमारे सामने ही 2 गाड़ियाँ हाकरों की गई और हर गाड़ी में ऐसा नहीं कि 10 टंकी से कम जाती हो, हर गाड़ियों में 10 टंकी, जब यदि वो गाड़ियों में यदि ना जाए तो टंकी लोगों को दूसरों को मिले। ना यहाँ पे सड़क है, ना पानी की व्यवस्था है, हम लोग 3 दिन से रोज आ रहे हैं, रोज़ खाली हाथ वापस जा रहे हैं। मैं कहते हैं भैया सड़क के कारण ट्रक नहीं आ रहे हैं, हम लोग कहाँ से टंकियाँ लें, आप लोग जाके ऊपर बात करें, ऊपर किससे हम लोग बात करें, हम लोगों को कोई सुनता ही नहीं है।